निश्चय पे आते, और निश्चय से स्टार्ट करके फिर लॉजिक पे आते, मतलब फिर पहले फेथ करते हैं संबंधों में। देखो थोड़ा थोड़ा दोनों चलना होता है दुनिया में, अगर किसी से संबंध करना भी होता है ना, तो पहले देखते हैं, सारा देख रेख करते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है, संबंध, एक बार संबंध हो जाए फिर तो डाउट नहीं करते हैं ना। संबंध होने के बाद की जो डाउट की अवस्था है ना, वो बड़ी खतरनाक होती है, पहले कर लो। तो इस तरह से अब हमें दिखना है कि हमारा बाबा के साथ संबंध हो गया कि अभी शुरू होना है। हो गया ना, अब क्या चाहिए, फेथ, निश्चय को कैसे बढ़ाना है वो कार्य करें, नहीं तो फिर वो डाउट भी हो और उसके बाद फिर एंजॉय भी नहीं करो संबंधों को, दोनों बातें होती है ना। तो चलो बाबा के शब्दों में हम सुनेंगे, 10/11/24 रिवाइज डेट है, 14/11/2002। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार है निश्चय बुद्धि। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार है निश्चय बुद्धि। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बच्चों की इस लगन को देख बाप दादा भी हर्षित होते रहते हैं। बच्चों का यह दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी प्यारा लगता है। बाप दादा तो बच्चों को यही कहते हैं कि बाप से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है और आप बच्चों की पूजा डबल है। कौन कौन सी हमारी डबल पूजा? शालिग्राम के रूप में और देवता के रूप में डबल पूजा है। बाबा ने अलग क्यों कर दिया, शालिग्राम देवता है, शालिग्राम और देवता के रूप में, क्योंकि शालिग्राम को ऐसा सच देवता नहीं मानते, शिव का जैसे बच्चा, शिव का अंश जो भी। हाँ तो अभी संगम युग का और सतयुग का डबल रूप से पूजा होती है ना। अच्छा तो बाप दादा के सिर के भी ताजो सुनो, अब क्या क्या महिमा बाबा का मेरी कर रहे हैं, मेरी महिमा कौन सी है, अपनी अपनी महिमा लिखना। एक तो क्या हो गया, पहली महिमा थी आप बच्चों की पूजा डबल है, पहली महिमा। दूसरी महिमा, बाप दादा के सिर के भी ताज हो, बच्चे वैसे भी क्या होते हैं, ताज ही होते सिर के। बाप दादा बच्चों के स्वमान को देख सदा यही कहते हैं, वहां श्रेष्ठ स्वमान धारी स्वराज्य धारी बच्चे वहां। हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो। चेक करो, मैं प्रभु पसंद, तो तीसरा हो गया श्रेष्ठ स्वमानधारी, फोर्थ है स्वराज्य अधिकारी, और बाप को हरे के मस्तक में चमकती हुई। अब चेक करो, मैं प्रभु पसंद, परिवार पसंद, कहाँ तक बना, क्योंकि संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं। तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक है।
प्रभु पसंद और परिवार पसंद। आज बाप दादा सर बच्चों के ब्राह्मण जीवन के फाउंडेशन को देख रहे थे। फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि, इसलिए जहां हर संकल्प में हर कार्य में निश्चय है, जहां हर कार्य में संकल्प में निश्चय है वहां विजय हुई पड़ी है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त है। जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है। सफलता देखो तो जहां निश्चय है वहां विजय है, और जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में सफलता स्वतः और सहज प्राप्त है, निश्चय है। निश्चय है कि विजयी हुई, कल का स्वमान था ना, हुई तो जन्म सिद्ध अधिकार, स्वतः और सहज, कोई भी जो जन्म वाले इनहेरिटेंस जो मिलते हैं ना, वेरी इजीली नेचुरली, तो सफलता इनहेरिटेंस है। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता होगी व नहीं होगी यह ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही नहीं है। निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कंबाइंड है। तो फोर्थ हो गया, सफलता होगी व नहीं होगी, नो क्वेश्चन, इसलिए वो स्वतः और सहज हो गया। मिलने ही वाला है ना, किसी को इनहेरिटेंस का क्वेश्चन थोड़ी होता है, मिलेगा ही। तो निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कंबाइंड है। तो निश्चय इज इक्वल टू सफलता, सफलता के 3 पॉइंट्स हो गए, स्वतः सहज और होगी व नहीं होगी, नो क्वेश्चन, जन्म सिद्ध अधिकार तीसरा, और सेकेंड पॉइंट निश्चय बुद्धि का हुआ कि निश्चय बुद्धि सदा कंबाइंड है। तो चेक करो सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं। अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण, निश्चय में परसेंटेज कितना अच्छा है, चेक हमें क्या करना है। तो अगर सफलता नहीं हो रही है, सफलता मतलब, अब इसमें सफलता अर्थात कार्य सफल होना या स्व की सफलता, ये भी क्लियर है ना सब। मेरे मेरा नॉन डिस्टर्बेंस, अचल स्थिति मेरी सफलता है। उस अचल में बाप के प्रति उतना ही निश्चय, ये मेरी सफलता है। तो बाबा कह रहे हैं तो उसका कारण निश्चय में परसेंटेज है। निश्चय सिर्फ बाप में है ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन कौन कौन से निश्चय होते हैं? वैसे तो 4 मेन निश्चय वो मालूम है सबको, स्वयं में, ड्रामा में, परिवार में, बाप में, और कौन कौन से निश्चय चाहिए। हाँ ये तो हो गए, और भी संबंधों में निश्चय परिवार में आ गया ना, और निमित्त में निश्चय हाँ परिवार में एक वैसे और एक निमित्त वो होता है ना, तो वहां भी निश्चय बहुत सारे निश्चय को हिला देता है तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो निश्चय सिर्फ बाप में है ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाप में, स्व में, ड्रामा में और साथ साथ परिवार में निश्चय, इन 4 निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वतः है। बाप में निश्चय सभी बच्चों का है, तब तो आए यहाँ आए हैं। बाप का भी आप सब में निश्चय है,
तब अपना बनाया है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए स्व में भी निश्चय आवश्यक है। स्व का निश्चय स्वमान से कनेक्टेड होगा। जो बाबा ने मुझे दिया उस पर निश्चय, वो टाइटल दिया है उस पर निश्चय, और फिर मैं कर सकती हूँ इस पर भी निश्चय, या जो कर रहे हैं उसके ऊपर भी निश्चय होता है। पता नहीं, एक तो कर सक रही हूँ तो उसके प्रयास ही नहीं स्टार्ट किया। हाँ, तो स्वयं पे निश्चय मतलब ये सब निश्चय चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं, तो बाप में निश्चय सभी बच्चों का है, लेकिन स्व में भी निश्चय आवश्यक है। बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के समान सदा स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा समानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। साधारण आत्मा नहीं, परमात्मा समानधारी आत्मा। तो समान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। स्वमान साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं, स्वमानधारी आत्मा। अगेन आज का ज्यादा अभ्यास हम करेंगे, कल का ही स्वमान ले ले। विजयी हुई, विजयी आत्मा हूं। तो साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं, स्वमानधारी आत्मा। रोल रिलेशनशिप ये वाली फॉर्मेट से लाइफस्टाइल ने हूं। मैं तो मदर हूँ, मैं तो ये हूँ, रिलेशनशिप और रोल जो भी है, फिजिकल जो भी रोल है समाज में है स्वयं का। तो हर कर्म में समान आपको सफलता सहज ही दिलाएगा। तो स्व में निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता व विजय। ऐसी बाप में तो पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता है निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा। ये निरंतर विजय का आधार है। मेरा बाबा सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा, मेरे के ऊपर अधिकार होता है ना। तो मेरा बाबा ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है। किसकी? मेरा बाबा का। बाप पर निश्चय, अब ये एडिशन आज, मेरा बाबा। तो मेरा बाबा वाली आत्मा सदा ही अधिकारी है, मेरे पर अधिकार होता है। किस पर अधिकार है? नहीं, मेरे पर अधिकार है तो, और उसके कारण उसका रिपरकशन, क्योंकि मेरे बाबा मेरा है, तो ऐसे बाबा मेरा इस तरह की फीलिंग है, तो दूसरे अधिकार भी ऑटोमेटिक मिलते हैं। जैसे वो बाप एक जिनसे भी संबंध हो, वो युगल का होता है ना, कन्या का, तो उसका सारा वो प्रॉपर्टी का शेयर ऑटोमेटिक हो जाता है ना। तो बाप के साथ संबंध, मेरापन, बाबा की प्रॉपर्टी, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट बाबा की प्रॉपर्टी, सफलता की और विजय की, वही मतलब विक्ट्री, सक्सेस। अगर मेरा बाबा है तो बाबा कह रहे, तो सदा अधिकारी है सफलता की और विजय की। ऐसे ही ड्रामा में पूरा पूरा निश्चय हो, ड्रामा में पूरा पूरा निश्चय चाहिए। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती है, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है मेरा बाबा, उसके निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता। समस्या के समय भी मेरा बाबा, निश्चय बुद्धि की निशानी है समस्या के समय। बाबा संभाल रहे हैं, हाँ सब राइट है, वो एक वर्ड में बाबा ने बोला, समाधान।
समाधान स्वरूप, समस्या नहीं लगे समाधान के तरफ, इसका ये समाधान है। समस्या तब तक समस्या लगती जब तक समाधान क्लियर नहीं। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना, सेकंड में। समस्या का काम है आना और निश्चय बुद्धि का काम है, बाबा हमेशा एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट कहते हैं, समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन कर। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते माया को चैलेंज किया है, किया है ना माया को चैलेंज? पूछ रहे बाबा, किया है या भूल गए हो? क्या चैलेंज किया? बाबा पूछ रहे हैं, ब्राह्मण आत्मा ने माया को क्या चैलेंज किया? गेट आउट माया, गेट आउट। माया गेट आउट है। अच्छा नहीं, चैलेंज आने के बाद गेट आउट। आने के लिए पहले तो चैलेंज करना पड़ेगा ना, तो चैलेंज किया है ना, हम माया जीत बनने वाले हैं, तुम आ जाओ। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है ना, जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी ना, वह भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। आपको निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है। क्यों? वो भिन्न भिन्न स्वरूप से आती है, लेकिन आपको निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है। क्यों? निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से उसको क्रॉस करना है। क्यों? नथिंग न्यू, अनथिंग न्यू, आना ही है, आएगा ही, पहले भी कर चुके हैं। हाँ, कितने बार कर चुके हैं, कितने बार विजयी बने हो, टोटल कितने बार हुए? अनगिनत बार। हाँ, वेरी गुड, बाबा कह रहे हैं। तो अभी एक बार संगम पर विजय बन रहे हो, व अनेक बार बने हुए को रिपीट कर रहे हो। सभी क्या कहेंगे, ऑनलाइन फरिश्ते? अनेक हाँ, अनेक बार बने थे, उसी को रिपीट कर रहे हैं। रिपीट कर रहे हैं, इसलिए समस्या आपके लिए नई बात नहीं है। इसने ये कहा, उसने वो कहा, ऐसे कहता है, वो करता है, नहीं रिपीट, नई बात नहीं, नथिंग न्यू। अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। यह है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी, और है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। क्यों? तो एक होता है बाप पर निश्चय, तो बाप पर निश्चय के क्या क्या पॉइंट्स बाबा ने बताए? मेरा बाबा, दूसरा मेरा बाबा कहा और मेरे पर अधिकार है, तो बाप पर अधिकार, सफलता और निश्चय पर अधिकार। और दूसरा है ड्रामा पर निश्चय में ये आ जाता है, समस्या का समाधान स्वरूप है, पता है कि इसका क्या सॉल्यूशन है, पता है इसके पीछे आंसर क्या है। कभी कभी सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता है, इसका आंसर चाहिए होता है, और प्लस पता है कि चैलेंज किया है, आ जाए हमारे पास सॉल्यूशन है। और तीसरा ड्रामा के पॉइंट है नथिंग न्यू, कई अनेक बार समस्या को क्रॉस किया, अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। यह है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी। हो गए ना, कितने पॉइंट्स हो गए ड्रामा के? 4 पॉइंट्स हो गए। और है
अब कौन सा है? स्व में निश्चय हो गया था, बाप में निश्चय हो गया, ड्रामा में, अब परिवार में, ब्राह्मण परिवार में निश्चय क्यों? आज का व्यक्तिशारी भी बहुत अच्छा है उस अकॉर्डिंग। ब्राह्मण परिवार में निश्चय क्यों? ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन, छोटा परिवार नहीं। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है, बताओ, दिल से बताओ। बाबा का ये परिवार बाकी सब परिवार से बड़ा लगता है? हाँ, ऐसे संगठन जिसमें हर कोई अपने ऊपर एफर्ट कर रहा है, हर कोई अपनी गलती को मानने को रेडी है, और रोज रोज, और फिर आगे बढ़ने का दिल करता है, MBA का नहीं, वो तो पूरी दुनिया भी है, पर कर रहे हैं सब, अपना रोज डिसिप्लिन है, अपने गलती को, परिवारों में सारा इश्यूज कहाँ होता है, ब्लेम गेम, और कोई अपनी गलती मानने कोई रेडी नहीं होता है, होता नहीं ना। डायरेक्ट बच्चे, डायरेक्ट बच्चे, बाप के बच्चे नहीं, डायरेक्ट मेरा बाबा, आज बाबा ने वर्ड, तो बाबा कह रहे हैं ऐसा परिवार, मतलब इतना इंटरेस्ट से अपने प्रति, संडे के दिन देखो सुबह सुबह आ जाना, तो ये, हाँ आज खुश है, आज सेटिस्फाइड है। तो बाबा कहते हैं, तो परिवार के बीच, परिवार के प्रीत की रीत निभाने में भी विजयी, ऐसे नहीं कि बाप मेरा मैं बाबा का सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, परिवार से क्या काम है, ठीक है, सभी को, सभी पांडव इति, हाँ ये परिवार मिलेगा लौकिक में, कितने डिफरेंसेस होते हैं, फिर कितना, फिर बात नहीं करते, फिर क्योंकि सब अपने ऊपर कोई अटेंशन देने को का वो ज्ञान ही नहीं है ना वहां। वो है, तो हायर लेवल का लाइफस्टाइल जीने के संगठन ये, नॉर्मल लाइफस्टाइल वाला तो बहुत है, इसलिए इस परिवार को बहुत स्पेशल मानना, लेकिन यह भी निश्चय की विशेषता है। दुनिया में एक संत होते कितना उसका इम्पोर्टेंस होता है, भाई घर में संत है, यहाँ देखो कितने हैं, गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल सम। तो बाबा कहते हैं, तो ऐसे नहीं कि बाप मेरा मैं बाबा का सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, परिवार से क्या काम, यह भी निश्चय, लेकिन यह भी निश्चय की विशेषता है, चारों ही बातों में निश्चय, विजय आवश्यक है। परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है, सिर्फ परिवार में यह स्मृति में रहे कि देखो संस्कार अलग अलग फिर भी होंगे, नेचुरली अलग अलग तो होंगे, सब पुरुषार्थी है, लेकिन एक बात याद रहे, तो सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है, ये तो रोज मुरली सुनता है, ये तो मेरे से पुराना है, ये नहीं, इसको परिवार नहीं कहते, सबके अपने अपनी जर्नी है, संस्कार, एटलीस्ट एक कंटिन्यू तो कर रहे हैं। यहाँ आप देखो दुनिया में कितना बार बच्चों को कहते हो, कोई आता है, कोई करता है? तो बाबा कहते हैं, तो अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है, वैरायटी है, इसका यादगार 108 की माला है, सोचो कहाँ एक नंबर और कहाँ 108वां नंबर क्यों बना, जैसे सब एक नंबर क्यों नहीं बने, 16,000 क्यों बना, कारण वैरायटी, संस्कार को समझ, नॉलेजफुल बन चलना, भाई इसके संस्कार ऐसे है, यही मैच्योरिटी है, यही समझदार है, ये ऐसे नहीं है, ये भी उसके स्वमान को कम किया, इसके संस्कार है,
वैरायटी संस्कार को समझ नॉलेजफुल बन चलना निभाना यही सक्सेसफुल स्टेज है। ठीक है, निभाना कम ज्यादा होगा सबका, तो चलना तो पड़ता ही है, परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे। एक सेवा भी करना है किचन में चार, तो उसके साथ भी संस्कार होता है, कहाँ जाएंगे, कहीं भी। बिना आत्माओं के हम रह सकते हैं, हमारे लाइफ में कोई नहीं हो, मैं अकेला, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी फिर तो। विदेशों में सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण क्या है, तो बाबा कह रहे हैं परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे। नशा भी है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, तो बड़े परिवार में बड़े दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना। ठीक है भाई, ये थोड़ा क्रोध करता है, क्रोध का संस्कार है, पर विशेषता है ना रोज अमृत वेले करता है। निर्माण ब्रॉड माइंडेड फ्लेक्सिबल होके चलना, निर्माण होके चलना, कोई बात नहीं, समाने की शक्ति, तीनों गुणा का कॉम्बिनेशन है निर्माणता। तो होके चलना और शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चलना, ठीक है, यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजयी की निशान। तो क्या क्या होगा परिवार का, फर्स्ट बताओ कितने पॉइंट्स आए परिवार में। पहले बड़ा दिल, सबसे पहले नंबर वार धारणा स्वरूप आत्मा है। हाँ तो हाँ, प्रीति की रीति नंबर वार धारणा स्वरूप आत्मा है। हाँ, वैरायटी संस्कार है, वैरायटी संस्कार के नॉलेजफुल बन चलना और निभाना। हाँ यही, और फिर इतना बड़ा परिवार कितना अच्छा लगता है। देखो आज पूरे खिले हुए गुलदस्ते, खिले हुए फूल अच्छे लगते हैं ना, कोई नहीं हो क्या अच्छा लगेगा। घर में भी दिवाली क्यों अच्छी लगती है, फैमिली फेस्टिवल है। तो अब उसमें सबके संस्कार होते हैं, अलग अलग होते, लेकिन फिर भी मैं वही सोचती हूँ कि पुरुषार्थी कितने हैं सभी। चलो एक ही कड़ा संस्कार भी है, जाता ही नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन रोज अमृत वेला करता है, बाबा को याद करता है, मुरली सुनता है, ये कम बात है क्या। एटलीस्ट सुनते सुनते महसूस तो होगा, दुनिया में तो सुनते ही नहीं है। एक ही इजिएस्ट तरीका है कुछ बात हो जाए दुनिया में, फोन स्विच ऑफ करना, मैसेज रिसीव मत करो, बात ही नहीं करो, बल्कि बात ज्यादा करो जब कुछ बात हो जाती है। क्या तरीका होना चाहिए, है ना, और बात ही नहीं करो, यही एक तरीका स्टाइल है। हाँ, पर वो रात को है ना पूरा समय। हाँ क्लियर बोल के भी, मतलब क्लियर करो उसको। दो चीजें संस्कार में चलने के लिए, एक तो अंडरस्टैंडिंग नॉलेजफुल बन के चलना, दूसरा लेट गो करना। परिवार में जो लेट गो नहीं करता है ना, पकड़ के रखता है ना, वो परिवार का सुख नहीं ले सकते। वो 1930s में ही है, अभी दुनिया 2000 में चल रही है, मतलब हाँ वही है। तो बाबा कहते हैं तो सभी विजयी होना, विजयी है इसमें, विजयी डबल फॉरेनर्स विजयी है, तो बहुत अच्छा, हाथ हिला रहे हैं, बहुत अच्छा, बाप दादा को खुशी है। अच्छा टीचर्स विजयी है या थोड़ा थोड़ा होता है, हाँ हम तो इसमें संभाल लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम, बॉम्बे से दिल्ली आने में ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हाँ मतलब हर जगह एडजस्ट कर सकते, तभी कर सकते ना, नहीं तो नहीं कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब बात होती है, होती हो जाती है, परिवार है ना,
यही तो मैं कह रही हूँ कि रोज क्लास कर रही बहुत बड़ा भाग्य है वो आत्मा। हाथ तो बहुत अच्छा हिला रहे, बहुत अच्छा, बाप दादा को खुशी है। अच्छा टीचर्स को विजयी है या थोड़ा थोड़ा होता है, क्या करे यह तो नहीं, कैसे के बजाय ऐसे शब्द को यूज कर। देखो टीचर्स में ये जरूरी होता है क्योंकि विशेषकर जहां बड़ा संगठन हो ना, बहनों का, भाई बहनों का, और प्लस उसमें सीनियर जूनियर हो, और हो सकता है सीनियर में कई सारी इश्यूज भी होंगे, हम लोग जूनियर वाले ऐसे नहीं हो, और फिर उसमें बड़े सीनियर का ही माने, मतलब कई हायरार्की चलती है ना। लौकिक में तो बोल देंगे कर देंगे, यहाँ तो बोलना भी नहीं है, समा के चलना है, और फिर सबको मिला के उसने किया और वो नाराज हो जाए, वो भी संगठन होता है, संगठन में होता है ना, संस्कार है हर आत्मा के, छोटे होते तो बहनों के भी संस्कार होते हैं, बाबा कहते हैं। इसलिए कैसे नहीं, ऐसे शब्द को यूज करो, कैसे करे नहीं, ऐसे करे। 21 क्यों, बहुत अच्छी बात है। परिवार में देखो हम सब परिवार, हाँ देखो सबकी शक्तिशाली बनो, एक दूसरे के लिए भी, एक दूसरे के लिए शक्तिशाली बनना बहुत जरूरी है। वो ऐसे कहता है, वो ऐसे कहता है, ठीक है हम समाधान स्वरूप है, वो कुछ भी कहे, किसी के लिए भी कहे, हमको समाधान करना आता है या उसको बढ़ावा देते हैं, अच्छा ये बात है, एनकरेज करना, ये परिवार की नींव को हिलाना है। अगर मैंने बाबा ने कहा ना टेका भी दे दिया ना, हाँ मेरा भी यही अनुभव है। हाँ टेका भी नहीं देना, क्यों नहीं देना टेका, क्यों टेका नहीं देना, उसको लगेगा मेरे जैसे है और ज्यादा बुराई करो फिर उसके। हाँ बाबा कहते देखो क्योंकि, हाँ क्या बोलते हैं, कमिंग फॉरवर्ड यही चलेगा, इसी के साथ रहना होगा यही परिवार के साथ। तो बाबा कह रहे 21 जन्म का कनेक्शन परिवार से है ना, सुना मनीष भाई, बाबा नहीं रहेगा सत्युग में, यही रहेगा। हाँ वो भी नहीं है, लक्ष्मी नारायण के अपने परिवार होगा। तो बाबा कह रहे हैं हाँ संगम पर मिलेंगे इसके बाद, मतलब वहां भी तो 21 जन्म में भी क्या होगा 21 जन्म में भी जिसका जिस तरह का होगा ना संस्कार, कोई बहुत समाने का गुण है किसी में, तो जो जो भी जिन जिन के भी समाने का गुण है ना वो उसके आजू बाजू वो साथ साथ होंगे, ऐसा परिवार बनेगा। माँ बाप और बच्चे भी कैसे बनेंगे, वो एक ही फैमिली, सब में सहन शक्ति है, सब में वो सिमिलैरिटीज, वो मतलब वो पर्टिकुलर लेवल का होगा। तो 21 जन्म का कनेक्शन परिवार से, इसलिए जो परिवार में पास है वह, बोलो वैराली का बहन, जो परिवार में पास है वह, बोलो 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 ऑनलाइन फरिश्ते दीपिका बहन, बोलो बोलो, जो परिवार में पास है, थोड़ा वो बाबा के पास है। अच्छा यूनिक बताओ, वह सब में पास है, ठीक है, ये ऐसा वो वैसा जीरो नो। तो चार ही प्रकार का निश्चय चेक करो, क्योंकि प्रभु पसंद के साथ परिवार पसंद भी होना अति आवश्यक है, नंबर इन चारों निश्चय के परसेंटेज अनुसार मिलना है। परिवार में कितनी बातें हो गई, पांच बातें परिवार में, परिवार में पास है उसको बाबा ने सब में पास कर दिया। ऐसे नहीं मैं बाबा की, बाबा मेरा बस हो गया, नहीं ऐसा नहीं, मेरा बाबा तो बहुत अच्छा कहते हो और सदा इस निश्चय में अटल भी हो, इसकी मुबारक है, लेकिन तीन और भी है परिवार के साथ, तीन और निश्चय भी है ना, टीचर्स चार ही जरूरी है कि नहीं, ऐसे तो नहीं तीन जरूरी है, मतलब
1, 2, 3, बाप, स्व और ड्रामा, परिवार में निश्चय नहीं है। ऐसे तो नहीं तीन जरूरी है एक नहीं, जो समझते हैं चारों ही निश्चय जरूरी है। वह एक हाथ उठाना, एक हाथ उठाना, चारों ही निश्चय, स्व में निश्चय, बाप में निश्चय, परिवार में निश्चय, ड्रामा में, जरूरी है ना? बस परिवार में निश्चय, जो सभी को चारों ही बातें पसंद है, जिसको तीन बातें पसंद हो वो हाथ उठाओ। हाँ, नेचुरल है ना, परिवार के प्रति बड़ी कंप्लेन्स होती है कईयों की, ये भाई ऐसा, ये इतना पुराना ऐसे करता है, ये ऐसे करते हैं, बहनें ऐसे करती है, एक्सेट्रा। तो बाबा कहते हैं वो हाथ उठाओ, है कोई? नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं, निभाना मुश्किल नहीं है। बहुत अच्छा, स्टेशन पे रिसीव मधुबन जाएंगे ना, जैसे ही उतरेंगे ना, वो भाई बहुत गुस्सा करेगा, चलेगा? इतना नशा चढ़ा के आए थे मधुबन, मधुबन ये वो, और वो मिले नहीं, आपने फोन उठाया नहीं, उसने फोन किया, बस वहां से शुरू, फिर भी निश्चय किसको है। हाँ, वो अभी है ना ड्रामा उस समय। क्या है, तुमको समझ में नहीं आता, पता नहीं, तुम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, मतलब स्टार्ट कर, ठीक है? सबके अपने अपने बेचारे, वो रात रात भर सेवा करते, आपको पता है 2 बजे ट्रेन आती है, 2:30 बजे ट्रेन आती है, ऑल ओवर इंडिया से बहनें आती है, बहनों को तो क्या है, हम तो यहाँ से फोन कर देते हैं, वो वहां से रात को रिसीव करते हैं, गाड़ी में बिठाते, नहीं है तो बस बुलाते हैं, उस सब वही है ना, हर कोई के एंगल से हम देखते हैं। तो बाबा कहते हैं जो समझते चारों ही निश्चय जरूरी है, तो अगर दिल से हाथ उठाया, तो दिल से हाथ उठाया तो सब पास हो गए। अच्छा, ठीक है ना, सब पास। देखो कहाँ कहाँ से भिन्न भिन्न देश की टालियां मधुबन में एक वृक्ष बन जाता है। मधुबन में याद रहता है क्या कि मैं दिल्ली की हूँ, मैं कर्नाटक की हूँ, मैं गुजरात की हूँ, सब मधुबन निवासी है, तो एक झाड़ हो गया ना। इस समय सब क्या समझते हैं, मधुबन निवासी हो इस समय ये समझते, बहुत अच्छा है। वैसे भी हर ब्राह्मणों की परमानेंट एड्रेस तो मधुबनी है, आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है? बॉम्बे है, दिल्ली है, पंजाब है, कलकत्ता परमानेंट है, क्या एड्रेस है, तो मधुबन है, मधुबन महाराष्ट्र? हाँ, मधुबन। मधुबन। यह भी सेवा के लिए सेवा केंद्र में भेजा गया है, वह सेवा के स्थान है, घर आपका मधुबन है। आखिर भी ऐशलम कहाँ मिलना है, मधुबन में ही मिलना है, इसलिए बड़े बड़े स्थान बना रहे हो ना, आश्रय। इवेंचुअली जब आश्रय मधुबन में ही आके सब लास्ट में जाएंगे ना, सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है ना, तो सारे दिन में ये ड्रिल करो, मन की ड्रिल, शरीर की ड्रिल तो शरीर के तंदुरुस्ती के लिए करते हो, करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है, वह तो करो और खूब करो, टाइम पर सेवा के टाइम एक्सरसाइज करो, ड्रिल करो, सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना। अभी बोलो, बाकी टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब बाप समान बनना है तो एक है निराकार, दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। तो जब भी समय मिलता है, सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ, बीच बीच में एकदम फुल स्टॉप, पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा मेरे सामने। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान है, कार्य करते फरिश्ते बनकर कर्म करो, फरिश्ते अर्थात डबल लाइट, कार्य का बोझ नहीं हो, कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा, कैसा होगा ये है, वो फिर अव्यक्त फरिश्ता नहीं बनने देगा। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो तो थकावट नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, डबल लाइट, सेवा का भी बोझ नहीं,
अव्यक्त फरिश्ता रूप। इसलिए बाबा का बहुत वो वाला पोज बहुत फेमस है ना, कौन सा, किसने देखा है बाबा का, एक ब्रह्मा बाबा का, एकदम लेटा हुआ, पॉवर्टी बेगरी चल रही है, हंगामे चल रहे हैं, मम्मा नहीं है, आत्मा शरीर छोड़ के जा रही है, रिलैक्स। बाबा का बहुत अच्छा है। तो कर्म करते तो आत्मा भी निराकार, और आत्मा निराकारी स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप की याद सहज समान बना देगी। अभी अभी 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हो, 1 सेकंड में हो सकते हो, 1 सेकंड में 10 सेकंड के लिए एकदम निराकारी स्टेज। तो बाप दादा ने ड्रिल कराई, यह अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में करते जाना, तो ये प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी सहयोग देगी और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, डबल फॉरेनर्स से देखो, डबल फॉरेनर्स को इस सीजन में, आप सभी को पता है ना, डबल फॉरेनर्स जो वैसे भी फॉरेनर्स है, और फिर परम धाम के सिंगल फॉरेनर्स तो हम सभी है, और वो फिर इंडिया से भी विदेशी में है, इसलिए उनको बाबा डबल फॉरेनर्स कहते हैं। हाँ, वो भी जो भी फॉरेन में रहते हैं वो जो डबल शरीर फॉरेनर्स। से भी हाँ, तो यहाँ भी है ना डबल फॉरेनर्स, सब ध्यान से सुनो, अभी भी जो बाहर रह रहे वो डबल फॉरेनर्स, बैच तो उनको डबल फॉरेनर का ही मिलता है ना। हाँ, भारत वालों का बैच अलग है, उनकी सीटिंग अलग होती है। मधुबन में आप जाते हो ना तो बैच मिलता है, डबल फॉरेनर्स का बैच अलग होता है। हाँ, मतलब अलग होता है, उनकी सीटिंग अलग होती है, उनका वो सेक्शन अलग होता है, इसलिए कम भी होते हैं ना वो, फिर थोड़े वो मधुबन का बैच, ये नहीं है, ये नहीं, वो बैच मधुबन का, बाबा के सामने वो सेक्शन होता है ना, वहां खड़े होते हैं। तो इस ग्रुप में भी बाप दादा देख रहे, कुछ पहली बारी भी आए हैं, कुछ पहले वाले भी आए हैं, बाप दादा की दृष्टि सभी फॉरेनर्स के ऊपर है। जितना प्यार बाबा आपका बाप से है, तो बाप का प्यार, देखो जी बाबा क्या कहते हैं, बाबा जितना प्यार आपका बाप से है, बाप का प्यार आपसे पदम गुना है, ठीक है ना, पदम गुना है बाबा का। आपका भी प्यार दिल का प्यार है, तब तो यहाँ पहुंचे हो। डबल फॉरेनर्स इस ब्राह्मण परिवार का, बोलो बोलो, डबल फॉरेनर बोलो मनु बहन, डबल फॉरेनर्स इस ब्राह्मण परिवार का, आद्या भी डबल फॉरेनर है ना, श्रृंगार है। मतलब हम लोग भी किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, हमारी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेनर्स हमारे मतलब स्टूडेंट्स है ऐसे, तो उनका वो एक स्टेटस हो जाता है ना, एक भाई फॉरेनर्स भी यहाँ बहुत है। तो बाबा इसलिए कहते हैं आप श्रृंगार है, स्पेशल श्रृंगार हो। आप लोग को पता है ना, जब ये मधुबन शांतिवन में बाबा का सीजन होता है ना, फॉरेनर्स का सारा ज्ञान सरोवर में होता है, वो शांतिवन में उनके क्लासेस नहीं होते, उनके क्लासेस एकदम अलग ही होती है, पांडव भवन और ज्ञान सरोवर। हाँ, वही ऊपर ही रुकते, ऊपर से आते फिर चले जाते। और एक्चुअली वो कंसेप्ट ज्ञान सरोवर का बना ही फॉरेनर्स के भाइयों ने, आर्किटेक्ट भी फॉरेनर्स थे ज्ञान सरोवर के लिए। तो इस देश में, हर देश में बाप दादा देख रहे हैं, स्पेशल श्रृंगारों, याद में बैठे हैं, सुन भी रहे हैं तो याद में बैठे, बहुत अच्छा। टीचर्स कि टीचर्स का झुंड भी आए, बहुत है, बड़ा है,
ये दिल्ली सेवा के टर्न के समय की मुरली है। बाप दादा टीचर्स को एक टाइटल देते हैं, कौन सा टाइटल देते हैं? तो किसी ने कहा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो सभी है ही, डबल फॉरेनर्स तो पहले फ्रेंड्स है, इनों को फ्रेंड का संबंध अच्छा लगता है। टीचर्स जो योग्य है, योग्य टीचर्स, सभी को नहीं, योग्य टीचर्स को बाप दादा कहते हैं। यह गुरु भाई है, जैसे बड़े बच्चे बाप के समान हो जाते हैं ना, गुरु भाई मतलब इक्वल लेवल पे। हाँ, जैसे बड़े बच्चे बाप समान हो जाते हैं ना, तो टीचर्स भी गुरु भाई है, क्योंकि सदा बाप की सेवा के निमित्त बने हुए हैं, बाप समान सेवाधारी है। देखो, टीचर्स को बाप का सिंहासन मिलता है, कौन सा? ये वाला सिंहासन, ऊपर में मुरली सुनाने के लिए। छोटी भी बहन होगी ना सेंटर पे, वो मुरली सुनाएगी, चाहे वैसे कितने भी पुराने हो। मुरली का भाग्य टीचर्स के साथ है। गुरु की गद्दी मिलती है ना, इसलिए टीचर्स अर्थात निरंतर सेवाधारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा कर्मणा, सदा सेवाधारी। ऐसे है ना, आराम पसंद तो नहीं है ना, सेवाधारी है। सेवा, सेवा और सेवा, ठीक है ना? टीचर्स को पूछ रहे। अच्छा, सेवा में दिल्ली आगरा का टर्न है, आगरा साथी है हमारा। जब दिल्ली एनसीआर और अभी जो होगा ना मधुबन में, आगरा साथी है। दिल्ली का लश्कर तो बहुत बड़ा है, 15,000 17,000 दिल्ली के होते हैं। दिल्ली में स्थापना का फाउंडेशन पड़ा, यह तो बहुत अच्छा। अभी प्रत्यक्षता बाप की करने का फाउंडेशन कहाँ से होगा, दिल्ली से या महाराष्ट्र से? बोलो बोलो, देश की गद्दी वाले भी कौन है? तो दिल्ली से या महाराष्ट्र से? दिल्ली से दिल्ली से, होगा। दिल्ली से, दिल्ली से, दिल्ली से। ये प्रत्यक्षता के लिए बोल रहे हो बाबा, सत्य की बात थोड़ी कर रहे। दिल्ली दिल्ली से सभी चल रहे होगा। हैं ना, दिल्ली सेवा आपके टर्न में कौन चल रहा है? मधुबन, यहाँ से कितने जने हाथ उठाओ, फुल हो गई हमारी सीट तो। क्या हुआ बाकी? अच्छा, बाकी फिर फेब्रुवरी में जाएंगे, और जो नहीं जा रहे हैं वनिता में फेब्रुवरी में। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं दिल्ली तो ऐसे। हाँ, तो सेवा और करो निरंतर सेवा, पूछ रहे ना बाबा ने, दिल्ली से होगा प्रत्यक्षता, करो निरंतर सेवा और तपस्या, कैसे प्रत्यक्षता होगी? सुना, आप सभी भी दिल्ली में इसलिए आ गए ना, दिल्ली दरबार में, महाराष्ट्र, कलकत्ता, सभी। क्या करना है? करो निरंतर सेवा। सेवा और तपस्या दोनों के बैलेंस में प्रत्यक्षता होगी। जैसे सेवा का डायलॉग बनाया ना, ऐसे दिल्ली में तपस्या का वर्णन करने का डायलॉग बनाओ। एक्चुअली ये जब दिल्ली सेवा का टर्न होता है, तो हम लोग क्या वहाँ सेशंस होंगे, क्लासेस, वो भी डिसाइड करते हैं मीटिंग्स में। जैसे वो सब सेवा का होता है ना, ये डिपार्टमेंट, ये सेवा, ये सेंटर ये सेवा करेगा, और तो उसमें तो उन दिनों क्या, क्योंकि भाई बहन आधे क्लास करते नहीं है, कहीं चले जाते, ऊपर चले जाते ऐसे, तो इसलिए उन उन दिनों रखा था हमने कि सेवा दिल्ली में शुरू से लेकर अभी तक दिल्ली में और बाबा की यज्ञ में कैसे सेवा हुई, तो वो सेवा का डायलॉग था। आशा दीदी और चक्रधारी बहनों ने किया, बड़ी बहन ने। तो बाबा ने सुना, इसलिए बाबा कह रहे सेवा का डायलॉग बनाया ना, ऐसे दिल्ली में तपस्या का वर्णन करने का डायलॉग बनाओ। स्टेज पे बैठ के कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, और एक तीसरा वो था एंकर, वो पूछ रही थी, क्योंकि उन लोग शुरू से दिल्ली की सेवा में रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तब, तो अब तपस्या का वर्णन करो।
तब कहेंगे दिल्ली दिल्ली है, दिल्ली बाप की दिल तो है लेकिन, दिल्ली बाप की दिल तो है लेकिन दिल पसंद कार्य करके भी दिखाओ। पांडव करना है ना, पांडवों को तो जरूर बाबा एक बार याद करते, शक्तियों को हमेशा हर मुरली में नहीं, पांडवों को जरूर कर। और आज पांडव भी पूरा फुल है, नहीं गंभीर है, गंभीर है इसलिए नहीं, मतलब कोई की गंभीर ऐसे थोड़ी, किसी को कॉपी थोड़ी करना है, हमको गंभीर पर्सनैलिटी है, मन ही मन में जवाब देते हम, ये समझ में आता है। हाँ तो बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं तो पांडव ठीक है ना, वैसे भी यज्ञ में भी वहां भी पांडव साइलेंट होते हैं शुरू से है। तो बाबा कहते हैं पांडव करना है ना, करेंगे जरूर करेंगे, तपस्या ऐसी करो जो सब पतंग बाबा बाबा कहते दिल्ली के विशेष स्थान पर पहुंच जाए, परवाने बाबा बाबा कहते आवे तब कहेंगे प्रत्यक्षता। तो यह करना है अगले साल, ये डायलॉग करना तपस्या वाला, ये रिजल्ट सुनानी है कि कितने परवाने बाबा बाबा कहते स्वाहा हुए हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छा, माताई भी बहुत है, अच्छा कुमार कुमारिया सबको बाबा एड्रेस करते हैं, कुमार और कुमारिया जो आधा हॉल कुमार कुमारियों से फुल है, शाबाश कुमार कुमारियों की। यंग टीनेजर्स बाबा के पास आए बहुत कम होते हैं, बस कुमार कुमारिया क्या हो, ज्वाला रूप बन आत्माओं को पावन बना देने वाले हैं, कुमार और कुमारियों को तरस पड़ना चाहिए, आज के कुमार और कुमारियों पर कितने भटक रहे हैं, भटके हुए हम जिन्स को रास्ते पर लगाओ, इसे सबसे ज्यादा ये कंफ्यूज्ड माइंड जो है आजकल का, यंग माइंड्स बहुत है। तो अच्छा जो भी कुमार और कुमारी आए हैं उनमें से इस सारे वर्ष में जिसने आत्माओं को सेवा में आप समान बनाया है वह बड़ा हाथ उठाओ, सुना कुमार कुमारी याद दिया, क्या बोल रहे बाबा, जिसने आत्माओं को सेवा में आप समान बनाया है। हाँ वैसे ये विदेश में अपने प्रोफेसर को मोटिवेट करके अब कोर्स करा रही है, कोर्स कर रहा है इसका प्रोफेसर, कितने साल की है आद्या ज्ञान में, 10 20 ओ ज्ञान में 3 साल। 3 साल, तो प्रोफेसर को पूरे फिलोसफी का सृष्टि चक्र बता दिया, अंग्रेज प्रोफेसर है और मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बता दिया, सृष्टि चक्र भी बता दिया, सृष्टि चक्र बता दिया ना, हाँ सब सब बता पवित्र दिया, परमात्मा भी बता दिया। हाँ तो बाबा कहते हैं देखो बाबा ने याद किया, तो ऐसे जो अब कोर्स कर रहा है फिर हो जाएगा, आप अपना संकल्प पावरफुल दोगे तो वो तो बाबा कह रहे हैं अच्छा है, जो भी कुमार और कुमारी आए हैं उनमें से इस सारे वर्ष में जिसने आत्माओं को सेवा में आप समान बनाया है वो बड़ा हाथ उठाओ। हाँ इतना तो, हाँ फिर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा थोड़े दिन, और उसने कहा फिर कि मैंने कहा मिले अभी बोला, मैंने कहा डेली करने का फायदा होगा, जूम पे कर रहे हैं, तो बोला हाँ मैं 21 दिन रेगुलर करूंगा, रेगुलर तो फिर भी नहीं तो 3 4 दिन हफ्ते में, अच्छा है हाँ दीदी 3 दिन अभी तो। हाँ 3 दिन बोला है, अच्छा ठीक है। उनमें से तो बाबा कह रहे कुमारियों ने आप समान बनाया है, अच्छा प्लान बना रही है, ये हॉस्टल वाली हाथ उठा रही है, ये हमारी इंदौर हॉस्टल है ना जिसमें कुमारिया केवल रहती है, अभी सेवा का सबूत नहीं, तो उन अभी सेवा का सबूत नहीं लाया है,
तो कुमार और कुमारियों को सेवा का सबूत लाना है, ठीक है? अच्छा, चारों ओर के विजयी रत्नों को, सदा निश्चय बुद्धि सहज सफलता मूर्त बच्चों को, सदा मेरा बाबा कहने के अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप समस्या को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माएं, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को, सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाले बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार मुबारक, और सुनो, अक्षौणी बार मुबारक और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप रूहानी दादा बाप को दादा याद को थाउजेंड प्यार याद टाइम्स गुड अक्षौणी मॉर्निंग बार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, प्यारा शुक्रिया बाबा बाबा, वाह थैंक वाह 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 यू वाह बाबा, वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। दादी जी से बाबा छोट मिल रहे हैं, सबका आपसे प्यार है। दादी जी हमारे बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी, बाप का भी आपसे प्यार है, फिर रतन मोहिनी दादी से। सहयोगी बनने से बहुत कुछ सूक्ष्म में प्राप्त होता है, ऐसे है ना? आदि रतन है, आदि रतन सब अब तक भी निमित है। आदि रतन बाबा यज्ञ में जो शुरू से आए हैं, अभी कितने बचे मालूम है? एक आदि रतन है, रतन मोहिनी दादी सब। हाँ, एडवांस पार्टी में 100 मालूम है ना आप सबको, 100 इयर्स, 101 अभी आ जाएगा रतन मोहिनी दादी का। अच्छा, वरदान है, सब कुछ तेरा तेरा कर, मेरे पन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव, डबल लाइट भव। किसी भी प्रकार का मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता। यह मेरा मेरा ही मैला बनाने वाला है, इसलिए अब तेरा तेरा कह स्वच्छ बनो। फरिश्ता माना ही मेरे पन का अंश मात्र नहीं, संकल्प भी मेरा, संकल्प में भी मेरेपन का भान आए तो समझो मैला हुआ। तो इस मैलेपन के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट बन। अच्छा, स्लोगन है, जहां के नूर वह है जो बाप दादा को अपने नयनों में समाने वाले, जहां के नूर वह है जो बाप दादा को अपने नयनों में समाने वाले। आज का व्यक्ति इशारा भी परिवार से कनेक्टेड है, इसलिए पढ़ लेते हैं। सर्व ब्राह्मणों का एक संकल्प, यही कार्य की सफलता का आधार है। किसी भी कार्य में सबका सहयोग चाहिए, किले की एक ईंट भी कमजोर होती है तो किले को हिला सकती है, इसलिए छोटे बड़े सब इस ब्राह्मण परिवार के किले की ईंट हो। तो सभी को एक ही संकल्प द्वारा कार्य को सफल करना है, सबके मन से यह आवाज निकले कि यह मेरी जिम्मेवारी है, तब सफलता मिलेगी। कोई भी बाबा के कार्य में मेरी जिम्मेवारी, उसने किया नहीं किया, उसने कितना किया, मैंने तो ज्यादा किया, ये नहीं, मेरी जिम्मेवारी, मतलब मैं जो जितना बेस्ट कर सकता हूँ वो पूरी जिम्मेवारी मैं करूँ। ओके जी, चलो जी, बहुत